नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मोहित द्विवेदी है। आज की वीडियो का टॉपिक है डीजे सेटअप, यानी कि आपको अगर डीजे सेटअप बनाना है, जैसा कि आजकल के टाइम में डिमांड है, तगड़ा बेस और हाई पंच और उसकी जो खूबसूरती है वो भी अच्छी खासी हो, तो आपको मोटा पैसा लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, आप सभी हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी वीडियो मैं देता हूँ उसको पूरा देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम डीजे के बारे में बात करेंगे कि डीजे सेटअप अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले तो आपके पास पैसा होना चाहिए अच्छा खासा, और उसके बाद आप घर के एक इंसान यानी कि अकेले ना हो, तब तो आप ये काम कर सकते हैं या आप इस काम के बारे में सोचें। अगर आप घर के एक ही हैं यानी कि आप एक ही बेटे हैं अपने माँ बाप के, तब आप ये काम ना करें, तब ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद सबसे मेन चीज़ जरूरत होती है जो आपके साथ काम करेंगे, आप जो भी लड़के रखते हैं या जो भी लेबर रखते हैं वो अच्छे होने चाहिए और मजबूत होने चाहिए, भले ही वो चार हों, ठीक है, अच्छे हों जो आपका साथ दें हर समय पे। तो दोस्तों ये हो गई। उसके बाद आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए जो सबसे तगड़ी और ख़तरनाक हो, ऐसी गाड़ी ना हो कि आप चार बुकिंग करें उसके बाद उसमें काम आ जाए, तो अच्छी गाड़ी, अच्छा उसका मेंटेनेंस रखें। उसके बाद सबसे जो मेन बात है और सबसे जो मेन इसका काम है वो है जनसेट। जनरेटर आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही ऐसी कंडीशन का लेना है जो कि उसका फ्रिक्वेंसी वगैरह एकदम मेंटेन हो और ज़्यादा उसमें काम ना हो, यानी कि वो ज़्यादा पुराना ना हो, कोई थका जनरेटर ना हो, अच्छा हो जनसेट, हो सके तो नया खरीदें जो कि कंपनी का आता है, यानी कि कैनोपी वाला है ये खरीदें, या तो बहुत लोग जो अपना देसी आता है वो परचेज करते हैं जो कि अपने इधर बनता है सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर, ये सब, तो उसके चक्कर में ना पड़े, अगर कंपनी की फिटिंग खरीदें तब ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद डीजे में जो सेटअप आप यूज़ करते हैं उसमें एक छोटा सेटअप जिसके बारे में आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, बड़ा सेटअप अगर आप कमेंट करते हैं तब बना दूंगा। दोस्तों आपको यहाँ पे जो बताऊंगा आज उसमें आप सिर्फ आठ स्पीकर, आठ बेस का जो यानी कि आठ टॉप का या बेस आप जो भी कहें, आठ टॉप के जो एक डीजे सेटअप है वो मैं आज बताऊंगा। इसमें आप आठ बॉक्स बनवा सकते हैं या बने बनाए परचेस कर सकते हैं, बहुत से भैया हमारे जो बेच रहे हैं मार्केट में, आप चाहे साजन डीजे हों या हमारे इधर जो रहते हैं गोंडा बस्ती अयोध्या इधर, वो आप राजक्रम बस्ती से परचेस कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर में भी अपना जो जाली है डीजे का वो मंगवा के अपने घर पे भी एक मजबूत बॉक्स बनवा सकते हैं। उसका जो डायमेंशन है यानी उसका जो ऊंचाई है और अंदर की जो गहराई है ये सब आप किसी भी यूट्यूबर से पता कर सकते हैं, चाहे वो सार्जन हो, जो भी बॉक्स बनाते हैं उनसे। तो दोस्तों आप ये चीज़ तगड़ा बनवाएं, ठीक है, भले उस पर पेंटिंग ना हो, कंबर ना चढ़े वो ठीक है, बट बॉक्स आपका नंबर एक का ज़बरदस्त होना चाहिए। दोस्तों इसके बाद अब आ गया नंबर स्पीकर का। स्पीकर आप अच्छे ब्रांड की ही यूज करें, भले आप चार ही बॉक्स बजाएं शुरुआत में, आठ तो बात छोड़िए, आप चार ही बॉक्स यूज करें बट अच्छे कंपनी के स्पीकर यूज करें। आठ बॉक्स का स्पीकर आपको बजाना है यार तब आप यूज कर सकते हैं। सबसे जो मेरा पसंदीदा स्पीकर है वो आप चाहे तो PIDO का 3.6 आता है, आप ये यूज कर सकते हैं 15 इंच में, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, ये कहीं भी फिल्म नहीं हो सकता है, चाहे आप इसको बेस में बजाएं यानी कि डीजे में बजाएं या साउंड सेटअप पे चलाएं, बहुत ही अच्छा स्पीकर है। तो ये वैसे तो कहने को 1000 है बट ये 600 से 800 के बीच का RMS देता है, यानी कि इतना इसको इनपुट चाहिए, इतने वाट का ये स्पीकर माना जाता है। 4 इंच वॉइस कॉइल है, बहुत ही अच्छा स्पीकर है और इसको यूज करना है आपको पूरे सेट में। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चार बॉक्स में 3.6 यानी कि ये जो 1000 वाट का स्पीकर है 4 इंच वॉइस कॉइल ये यूज करें और ऊपर के जो चार बॉक्स है उसमें PIDO 400 वाट का जो स्पीकर आता है BM400B V3 आप ये यूज कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि आप जो नीचे के बेस हैं या पूरे ही सेटअप में 8 बॉक्स में IDO टोन का 1200 वाट का जो स्पीकर आता है 4 इंच वॉइस कॉइल में आप वो यूज कर सकते हैं, बहुत ही खतरनाक इसका भी रिस्पॉन्स है, तरीके से बजेगा। तो दोस्तों आपको एम्पलीफायर खरीदना है तब आप एम्पलीफायर का जो सिस्टम है आप उसको अगर खरीदते हैं तो या तो आप अहूजा का खरीदें या NX IDO खरीदें, जायफर खरीदें, Beta 3 खरीदें, कोई भी खरीदें, लेकिन अच्छा एम्पलीफायर खरीदें जिसका डंपिंग फैक्टर अच्छा हो, चाहे वो अहूजा का भी जो एम्पलीफायर आता है NX सीरीज हो गया, ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। देसी भाषा में कहें रफ एंड टफ, जिसको रगड़ के बजाना है, आप किसी भी कंडीशन में बजा सकते हैं, तो वो आप अहूजा से काम निकाल सकते हैं या NX IDO MT सीरीज हो, इससे भी अच्छा काम हो सकता है।
चाहे वो आइडियो टोन हो या पी आइडियो हो, अगर आप स्पीकर बजाना चाहते हैं तगड़े हिसाब से, तब आपको इसको फोरम पे यूज करना चाहिए, नहीं तो रफ एंड टफ में आप ये जो अपना 6000 वॉट आता है MX6000, इसमें आप 8 पीस स्पीकर बजाइए बहुत ही अच्छे तरीके से। या फिर अगर आप 8 पीस स्पीकर पी आइडियो का या आइडियो टोन बजाना चाहते हैं, 8 पीस की बात हो रही है यानी कि आपके 4 बॉक्स, तो इनको बजाने की खातिर आप NX आइडियो का भी एम्प खरीद सकते हैं, MT1801 जो आता है ये आप खरीद सकते हैं, या फिर आप जैफर में चले जाए वो अपने हिसाब से देख लें, तगड़ा एम्प जो भी हो आप वो खरीद सकते हैं। 2 एम्प मैंने बता दिए, इस पे आप बेझिझक काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप 8 बॉक्स में यही स्पीकर डालते हैं, 1200 वाट या PIDO का जो 1000 वाट बताया वो, तब आप 2 पीस NX से 6000 खरीदें या MT1801 जो 1801 आया है ये 2 पीस खरीदना पड़ेगा अगर 8 बॉक्स में यही स्पीकर यूज करते हैं। या फिर जो मैंने ऑप्शन दिया कि 4 बॉक्स में 1000 वाट के या 1200 वाट के स्पीकर, उसके ऊपर अगर आप जो 4 बॉक्स यूज करेंगे उसमें यदि आप 400 वाट के स्पीकर यूज करें, तब उसके खातिर आपको MX से 3200, अगर PIDO का 400 वाट के स्पीकर करते हैं यूज, चाहे वो PIDO हो या आइडियो टोन हो कोई भी हो, अगर आप 400 वाट का स्पीकर यूज करते हैं तब आपको MX से जो 3200 आता है वो आप यूज कर सकते हैं, 4 बॉक्स को बहुत ही अच्छे तरीके से बजाएगा। अब बात आती है दोस्तों HF की। HF में जो है कि आपको कम से कम 20 HF यूज करना है, वो भी 518, तो आप HF में बहुत सारे ब्रांड आते हैं, हर कंपनी के पास कई मॉडल के HF हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। कुछ कंपनियां हैं जिसका मैं नाम आपको बताता हूं, यही नहीं है कि आप यही यूज करें, बट आप 518 या 750 जो भी यूज करते हैं आप वो यूज कर सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। इसका कनेक्शन कैसे होना है HF का वो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे फर्स्ट तो हमारा जो मन पसंदीदा है वो आप यूज कर सकते हैं, अगर तो आइडियो हो गया, दास का हो गया, उसके बाद PIDO का हो गया, उसके बाद एक HF आता है ATI Pro का भी ठीक ठाक बचता है, बहुत ही तगड़ा बचता है, तो आप ये यूज कर सकते हैं। इसमें से आप पसंद करें कि 518 लगाना है तब आप 20 पीस लगाएं, 750 लगाना है तब आप 12 पीस लगाएं या 16 पीस जो भी है वैसा लगाएं। अब इसको बजाने के खातिर आपका एम्प हो गया, ये सारा कुछ हो गया, HF बजाने के खातिर आप यूज कर सकते हैं जो एम्प आता है, यानी कि आप आहूजा में भी खरीद सकते हैं उसी हिसाब से। अगर आपको 20 पीस बजाना है तब आपको 10-10 करके चलाना पड़ेगा 2 एम्पलीफायर पे 500 वाट के। अगर आपको 201 पे बजाना है तब ऐसा कोई एम्प नहीं बना है, आप उस पे मत बजाइए, आप एक एम्प पे 10 HF ही बजाइए और बहुत ही अच्छे से बजाइए। अगर आप सीरीज में बजाते हैं तब ये जो आप HF है ये बच गए। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो मैं ऐसा कोशिश करता हूँ कि अगला पार्ट इसका बना देता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, आप इतना कुछ खरीदने के बाद वेट कीजिए या आप खरीद चुके हैं।